अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ महबूब बारीगड्डी फ्राम रबकवि बनहट्टी, जो बागलकोट जिला वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम, जो कल हुआ जमकंडी शहर के अंदर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सरकारी दवाखाने में जो एक बुरा हादसा हुआ है, वो हादसे क्या है मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। कल जो डिलीवरी पेशेंट को लेकर जो है एक माँ अपनी बेटी को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दोपहर का वक्त था शायद गई, तो वहाँ पर जो है अब तो कोविड का माहौल है ठीक, और जो कोरोना वायरस का है उसका जो ना क्या बोलते हैं उसको, मास्क सब वगैरह औरत बच्चे मरद बूढ़े सब जने पहन रहे, ठीक है अच्छी बात है, ये तो बीमारी बचने का एक तरीका है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर गए तो उन्होंने जो बच्ची थी वो जो डिलीवरी की पेशेंट थी, तो उन्होंने बुरका और नकाब पहन दिया था, तो उन्होंने तो उनको डॉक्टर शायद या कोई वहाँ जो पर जो नर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, तो उनको कह दिया होगा कि आपका मास्क आए। पहले से तो नकाब तो बुरके में नकाब तो रहता ही है, तो उसके बाद वो उसके बावजूद भी नकाब के बावजूद भी वो पूछता है आदमी ना तुम्हारा मास्क किधर है, तो भी वो जो पेशेंट थी जो डिलीवरी की जो वो औरत थी, तो ठीक है 2 मिनट दीजिए हमारे माँ के पास मास्क है बाहर है उन्होंने, मैं उनके पास जाकर लाती हूँ, ए हमारे पास उतना वक्त नहीं है, पर बोल को क्या करें उन्होंने, वो मास्क के बहाने उनको देखना भी नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा उन्होंने क्योंकि तो बुरका वगैरह डाले थे। बाद में क्या हुआ वापस घर को गए, वो खाने का वक्त हुआ था शायद क्या हुआ था, वो दोपहर का वक्त तो पेशेंट देखते हैं क्या वो पता नहीं, लेकिन वक्त नहीं है अगर बोल के वो टाल के चले गए वो डॉक्टर और जो सिस्टर्स और ब्रदर्स जो सरकारी दवाखाने जमखंडी में। तो उसके बाद जो है उन्होंने वापस घर को गए बच्चे वो माँ और जो डिलीवरी की औरत थी जो पेशेंट अमल सी थी, वापस गए उसी दिन जो रात का 11 बजे, तो वो उनको जो है डिलीवरी के जो होने का चांस था और भी फिर भी वहाँ पर जो है और भी आकर सरकारी दवाखाने में एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद वहाँ पर जो पूछते हैं स्कैनिंग करा के, वो स्कैनिंग के बहाने के अंदर आधा घंटा घंटा क्या गया क्या मालूम, उसके बाद में वो औरत की वो बच्ची की डिलीवरी हो जाती है तो नॉर्मल, तो बच्चे का इंतकाल हो जाता है, इन्ना लिल्लाह बच्चे का इंतकाल हुआ। भाई दोस्तों ये जो चल रहा है सिर्फ मुसलमान के दाढ़ी और बुर्का और जुब्बा, ये कोरोना वायरस ये दुनिया के अंदर जो मुसलमान को देखा जा रहा है दाढ़ी और चेहरे और बुर्का टोपी वालों को, तो यहाँ तक जो वायरस हॉस्पिटलों के अंदर भी जो सरकारी वहाँ पर भी जो दुगनी निगाहों से देखा जा रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम जिला बागलकोट के तरफ से मैं इसका खंडन करता हूँ, इसका आइंदा ये ना हुए, ये जो भी वहाँ के जो हैं सरकारी दवाखाने के अंदर जो भी डॉक्टर्स हैं नर्स हैं ब्रदर्स हैं वहाँ के जो आरोग्य के अधिकारी हैं, मैं तहसीलदार को ये कहना चाहता हूँ ये दोबारा ना हुए ऐसा स्ट्रिक्ट करिए वहाँ पर, नहीं तो दोबारा ऐसा होगा तो हम पूरे बागलकोट ज़िले के अंदर इसका स्ट्राइक करके सत्याग्रह बैठने की कोशिश करेंगे। हम खंडन करते हैं इस औरत के साथ ना इंसाफी हुई, अच्छे वक्त में अगर साथ देते वो औरत माँ और बच्चा भी फ्रेश रहते वो बच्चा भी जिंदा होता, ठीक है सब मुसलमान मिल के, और उसको डॉक्टर का भी खंडन करो और वहाँ पर जो स्टाफ है नर्स का उनका भी खंडन कर दीजिए, ठीक है अस्सलाम वालेकुम।